आगे सरेंडर। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हर जगह पानी का प्रहार लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। मैदानी इलाकों में पानी का कब्जा है तो पहाड़ों में जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों की जान को आफत में डाल दिया है। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडौरी की आप देख रहे हैं। यहाँ एक पुल ही पानी में पूरा डूब गया, इस वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं जम्मू कश्मीर के अरनिया में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। सैलाब लोगों के घरों से लेकर के खेत तक हर जगह घुस चुका है। गुजरात के सूरत की तस्वीर भी आपके सामने है। यहाँ भारी बारिश के बाद तापी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी का भी हाल कुछ अलग नहीं है। यहाँ की तस्वीर भी आपके सामने, यहाँ भी मूसलाधार बारिश के बाद निचला इलाका पूरी तरह सैलाब में डूब गया। कुल्लू में नेशनल हाईवे 5 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा ही पूरा ढह गया। उधर जम्मू कश्मीर के कटरा में सैलाब लोगों के लिए दहशत की वजह बना हुआ है तो कर्नाटक के कोप्पल में भी पूरा गांव पानी में डूब चुका है। हिमाचल में आसमान से लगातार आफत बरस रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फट रहे हैं। मुसीबत का आलम यह है कि हिमाचल में 24 घंटे के अंदर 3 जगह बादल फट गए। इसके बाद बर्बादी का ऐसा सैलाब आया कि उसके सामने जो भी आया वो बहता चला गया। फटा बादल, मची तबाही। डर का पहाड़, बह गए रास्ते। पानी पानी, मुश्किल में जिंदगानी। लगातार हो रही बारिश के बाद हिमाचल पहले से ही भारी भरकम परेशानियां झेल रहा है। इस बीच कुल्लू जिला के आनी गोगरा में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने के बाद आए सैलाब में 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश के बाद आई बाढ़ से पुराने बस स्टैंड में 10 से ज्यादा दुकानें बह गईं, वहीं कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में कई सड़कें बह गईं, जिसके बाद प्रशासन ने भारी बारिश के चलते एक दिन के लिए सभी शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया। ये फ्लशिंग ऑपरेशन दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुका है और कल 6:30 बजे तक जारी रहेगा। तो मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया नदी के किनारे ना जाएं ताकि कोई भी किसी तरह की जान माल की हानि ना हो। पहाड़ पर जल प्रहार, मंडी पर पड़ी पानी की मांग, खिसकता पहाड़, नदियों में सैलाब। हिमाचल के मंडी में मॉनसून इस कदर मेहरबान हुआ कि अब वो लोगों की जान पर मुसीबत बनकर बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद ब्यास का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद पंडोर डैम के कई गेट खोल दिए गए। डैम के गेट खोलते ही अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया और निचले इलाकों में पानी भर गया। हिमाचल के मंडी जिले में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम 84 रोड जो है वो ब्लॉक्ड हैं, उसमें से एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, बाकी सारे लिंक रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं। और ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो बिजली के 529 इस टाइम शट डाउन चल रहे हैं, जो बरसात की वजह से कहीं ना कहीं डैमेज हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के दौरान मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। मोदी सरकार की इस मुहिम में लोग 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में जुटे हैं। अभी से ही लोग तिरंगे के